जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ बजरंगबली की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। अगर आप किसी परेशानी में हैं, चिंतित हैं, तो धैर्य बनाए रखें। बाबा बड़े दयालु हैं, वो अपने किसी भक्त को कभी निराश होते हुए नहीं देख सकते हैं। बाबा पर भरोसा रखें, वे सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, आप यदि जीवन में टेंशन में हैं, आपके जीवन में कष्ट चल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो गुरुदेव पर भरोसा रखें, उनकी नियमित आराधना करें। इस वीडियो में आपको कुछ मंत्र बताऊंगा जो बाबा ने खुद दिए थे, जिनका उच्चारण करने से मन में शांति, कर्ज से मुक्ति और जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। वैसे बाबा कहते थे कि चिंता मूर्ख लोग करते हैं, चिंता करना हमारा काम है ही नहीं, हमारा काम है अपने कार्यों को मन लगाकर अच्छे से करना। बाबा कहते हैं कि अपने काम को कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए, इस बारे में चिंतन करना चाहिए। बाबा कहते थे कि मनुष्य की चिंताओं का कोई अंत नहीं है, वो किसी ना किसी चिंता में उलझा ही रहता है और अपनी समस्या, अपनी चिंता दूसरे को बताता फिरता है, इससे कोई समाधान तो निकलता नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि आप जिसे अपना दुख बता रहे हैं, वो आपको समझने वाला है कि आपका मजाक बना रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी समस्या, अपना दुख किसी को मत बताइए, अगर पता नहीं है तो भगवान को बताइए, कोई सुने न सुने, लेकिन भगवान अपने हर भक्त की बात सुनते हैं और भक्त की समस्या का निवारण करके उसको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि जिंदगी को अगर अच्छी बनानी है तो अच्छे कर्म करो, हमारे द्वारा आज किए हुए कर्म आने वाला हमारा भविष्य तय करता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारे कर्म बुरे होंगे, उसके परिणाम भी बुरे होंगे। इसके अलावा अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं, तो हमें उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में कैसे भी विवाद आ जाए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। महाराज जी कहते थे कि किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले उस पर चिंतन जरूर करें, उसके बाद ही उस कार्य को करें, उसे पूरा करने के बाद उसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें और उस कार्य को भगवान के भरोसे छोड़ दें। महाराज जी बताते हैं कि हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए, यही चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है। मनुष्य को मन में किसी भी प्रकार की मंशा नहीं बनानी चाहिए जिससे मन को ठेस पहुँचे। मन में मंशा तभी बनाए जब आपने कोई कार्य किया है। किसी भी कार्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जब आपने कठोर परिश्रम बहुत किया हो। नकारात्मकता से दूर रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। दोस्तों, बाबा का एक मंत्र है जिसका वे हमेशा उच्चारण करते थे और उनके भक्त भी उस मंत्र का उच्चारण करके जीवन में सफल हुए हैं। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, कर विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन, श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरी संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजय स्वीकार। दोस्तों, इस मंत्र का हर दिन जप करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।